हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक, दैट इज़ फ्री फॉल। फ्री फॉल डिटेल में डिस्कस करने के पहले मैं इन शॉर्ट आपको फ्री फॉल होता क्या है ये थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारी अर्थ है और ये स्टोन है। इसको मैंने होल्ड किया है, मेरे हाथ में होल्ड किया है। माई ड्राॅइंग इज़ क्वाइट गुड, तो मैंने इसको होल्ड किया है, ठीक है। जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को होल्ड किया, ऐसा समझो वो ऑब्जेक्ट स्टोन है। इस स्टोन को मैंने क्या किया है, हाथ में पकड़े रखा है। जब मैंने हाथ में पकड़ा है तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, तो उसका वेलोसिटी ज़ीरो रहेगा क्योंकि वो मोशन में नहीं है, ठीक है। जब मैं इस स्टोन को मैं ऊपर से ऐसे छोड़ूंगी नीचे, मतलब मैं मेरा जो हाथ है वो साइड में अगर मैं ले लेती हूँ तो स्टोन क्या होगा, नीचे की तरफ गिरने लगेगा, ठीक है। जब नीचे की तरफ वो गिरने लगेगा तो क्या होने वाला है, जो रेडियस होता है, ये अभी ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस कम होने लग जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो बढ़ने लग जाएगा, और उसका वो ऑब्जेक्ट जब ऊपर था तब उसका वेलोसिटी ज़ीरो था, जब नीचे गिरने लगेगा उस वो किस में आएगा, मोशन में आएगा, और मोशन में आने की वजह से उसका रेडियस डिस्टेंस कम होने लग जाएगा, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो भी बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, जब ये गिरता है ऊपर से तो ऐसा कौन सा फोर्स होता है उस पर एक्ट हो रहा है, वो नीचे गिर रहा है, नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है, उसके बारे में हमें फ्री फॉल में डिस्कस करना है। तो हमारे बुक में दिया है, टेक ए स्मॉल स्टोन, होल्ड इट इन योर हैंड, विच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द स्टोन। तो वो स्टोन पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो उस फोर्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्ट हो रहा है, और दूसरा अपोजिट जो फोर्स है वो है, वो कौन सा है, तो मस्कुलर फोर्स, उस पर एक्ट हो रहा है। जो मैंने हैंड में मैंने उसको होल्ड करके रखा है, उस स्टोन पर, मतलब मैंने होल्ड करके रखा रहे तो कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, मस्कुलर फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है। जब मैं हैंड को साइड में ले जाती हूँ, नहीं तो उस स्टोन को जब मैं ऊपर से नीचे रिलीज़ करती हूँ, तब कौन सा फोर्स एक्ट होता है उस पर, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। मतलब ऐसे दो फोर्स उस पर क्या हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं। तो देखो, नाउ रिलीज द स्टोन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन आफ्टर यू रिलीज इट। जब अभी मैंने डिस्कस किया है, जब मैं मेरा हैंड साइड में लेकर जाती हूँ, नहीं तो उस स्टोन को ऊपर से नीचे रिलीज़ करती हूँ, तो हमें क्या दिखाई देता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहले उसका वेलोसिटी ज़ीरो था और वो मोशन में नहीं था। जब मैं मेरा हैंड रिलीज़ कर देती हूँ ऊपर से नीचे, तो वो मोशन में आना स्टार्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब जो रेडियस है, वो कम होने लग जाएगा, और उसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट आई होप कि वो क्लियर हो गया होगा। अभी देखो, तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन आफ्टर यू रिलीज इट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है। लेकिन इसके बीच में जब वो स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है, एयर एंड स्टोन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स पे एक्ट होता है, ये याद रखो, बीच में फ्रिक्शनल, एयर एंड स्टोन के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट होता है। नाउ लेट्स सी इन डिटेल, we know that the force of gravity due to the earth act on each and every object. तो हमें पता है कि जो force of gravity होता है, earth की वजह से जो force of gravity होता है, वो each and every object पे क्या होता है, act होता है। तो अगर free fall का बेसिक सा डेफिनेशन आपको अगर पूछा गया, तो आप बता सकते हैं कि जब कौन सा भी ऑब्जेक्ट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोशन में आता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल कहेंगे,
ठीक है, मतलब फिर से रिपीट करती हूँ, अगर कौन सा भी ऑब्जेक्ट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोशन में आता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहेंगे। बट स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वो ज़ीरो रहेगा, फिर बाद में वो इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल में ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। नाउ when we were holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force, but it was balanced by force that we were applying on it in opposite direction. तो इसमें दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अपोजिट फोर्स होता है, और ऊपर से हम मस्कुलर फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो फोर्स उसमें क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट द स्टोन रिमेंस एट रेस्ट। जब जब ऊपर से हम मस्कुलर फोर्स एक्ट कर रहे हैं और नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं आ रहा है बिकॉज हमने ऊपर से उस पर क्या किया है, हैंड से उसको होल्ड करके रखा है, मतलब मस्कुलर फोर्स उस पर एक्ट किया है। तो इसके लिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजिशन में, इससे रिलेटेड मेरे पास एक पिक्चर है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है एक स्टोन है और उसको क्या किया है, होल्ड करके रखा है। ठीक है, जब इसको होल्ड करके रखा है, जब इसको होल्ड करके रखा है तो उस पर कौन से दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। ये दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं। तो ऊपर से क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है और नीचे से मस्कुलर फोर्स, इसलिए ये जो स्टोन है ये अभी रेस्ट पोजीशन में है। कौन से पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में। वंस वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम अवर हैंड द ओनली फोर्स दैट एक्ट ऑन इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड द स्टोन फॉल डाउन अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। जब हम हाथ से इस स्टोन को रिलीज कर देंगे तब उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट होगा, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो देखो, जब व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट, जस्ट अ मिनट, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट इज़ सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। तो जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है ऑब्जेक्ट पर, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, फॉलिंग फ्रीली, फ्री फॉल कहा जाता है। दस इट रिलीज स्टोन इज़ इन ए फ्री फॉल। इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ड्यूरिंग फ्री फॉल फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजेज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बायंट फोर्स ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। दस फ्री फॉल इज पॉसिबली ओनली इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या रहेगा, एयर नहीं रहेगा, तो उसमें क्या हो सकता है, फ्री फॉल, हम ट्रू फ्री फॉल अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो वैक्यूम के अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एयर और स्टोन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स उधर अब्सेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में एयर अब्सेंट रहेगी और हमें फ्री फॉल देखना है, ट्रू फ्री फॉल देखना होगा, तो हम ये वैक्यूम के अंदर कर सकते हैं। फॉर ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ एंड द टाइम टेकन फॉर इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके हम ये फ्री फॉल कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू जी। दस वी कैन राइट द इक्वेशन एज, तो हम इक्वेशन कैसे लिखने वाले हैं, तो इक्वेशन लिखेंगे वी इज इक्वल टू जी अपॉन टी। ठीक है, तो ये हो गया फ्री फॉल का इक्वेशन। फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रो द अपवर्ड एक्सेलरेशन इज निगेटिव, दैट इज द इन ए डिरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी एंड इज टेकन टू बी माइनस जी। दस मैग्नीट्यूड ऑफ जी इन द सेम बट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज बिकॉज दिस निगेटिव एक्सेलरेशन। द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मूविंग
ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, दस दे आर इन फ्री फॉल। तो देखो, ये जो मून है और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, ये किसके अंडर मूविंग पोजीशन में होते हैं, तो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ की वजह से ये मूविंग कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने नोट्स निकाले हैं जो आपके सामने हैं, तो इधर भी मैंने लिख दिया है आपको, इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो ज़ीरो होता है एंड गोज़ ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बाद में वो इंक्रीज होता है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ए बायोन फोर्स ऑल्सो एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, दस ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेक टू रीच अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखा, वी इज इक्वल टू जी टी, तो यस अगर निकालना है तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा, एस इज इक्वल टू यस इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gs। ये आंसर आएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो फ्री फॉल ये कंसेप्ट आपको इस वीडियो के जरिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। ट्राई दिस। टेक अ स्मॉल स्टोन, होल्ड इट इन योर हैंड। विच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द स्टोन? नाउ रिलीज द स्टोन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्टोन after you release it? We know that the force of gravity due to the earth acts on each and every object. When we are holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force, but it was balanced by a force that we are applying on it in the opposite direction. As a result, the stone remained at rest. Once we release the stone from our hands, the only force that acts on it is the gravitational force of the earth, and the stone falls down under its influence. Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be falling freely. Thus, the released stone is in a free fall. In free fall, the initial velocity of the object is zero and goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth. During free fall, the frictional force due to air opposes the motion of the object, and a buoyant force also acts on the object. Thus, true free fall is possible only in vacuum. For a freely falling object, the velocity on reaching the earth and the time taken for it can be calculated by using Newton's equations of motion. For free fall, the initial velocity u is equal to zero and the acceleration a is equal to g. V is equal to gt, s is equal to 1/2 gt square, that is half gt square. V square is equal to 2gs. For calculating the motion of an object thrown upwards, acceleration is negative, that is, in a direction opposite to the velocity, and is taken to be minus g. The magnitude of g is the same, but the velocity of the object decreases because of this negative acceleration. The moon and the artificial satellites are moving only under the influence of the gravitational field of the earth. Thus, they are in free fall. Do you know? The value of g is the same for all objects at a given place on the earth. Thus, any two objects, irrespective of their masses or any other properties, when dropped from the same height and falling freely, will reach the earth at the same time.
Galileo is said to have performed an experiment around 1590 in the Italian city of Pisa. He dropped two spheres of different masses from the Leaning Tower of Pisa to demonstrate that both spheres reached the ground at the same time. When we drop a feather and a heavy stone at the same time from a height, they do not reach the earth at the same time. The feather experiences a buoyant force and a frictional force due to the air and therefore floats and reaches the ground slowly, later than the heavy stone. The buoyant and the frictional force on the stone are much less than the weight of the stone and do not affect the speed of the stone much. Recently, scientists performed this experiment in vacuum and showed that the feather and stone indeed reached the earth at the same time. Use your brain power. According to Newton's law of gravitation, Earth's gravitational force is higher on an object of larger mass. Why doesn't that object fall down with higher velocity as compared to an object with lower mass? This was our today's lecture, student. I hope you understood each and everything. If you like this video, you have to share with your friends and comment if you have any queries on comment section. Thank you.